वर्ष के 75वें स्वतंत्र दिन की पूरे नई मुंबई के नागरिक को हार्दिक हार्दिक बधाई। ये 75वां साल स्वच्छ अभियान भारत का वर्ष रहा है। ये 75वां साल भारत के हर नागरिक को घर देने का एक वचन मोदी जी ने दिया था, वचन का पूर्ति होने ही जा रहा है। कोविड के वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन इस देश में इस 75वें साल में हर आदमी को अपना घर देने का जो मोदी साहब का वादा था, वो वादा पूर्णत्व की तरफ जा रही है। सिर्फ कोरोना के वजह से वो एक साल लेट हो गया है, लेकिन मोदी जी की एक संकल्पना है कि हर भारत का नागरिक खुश रहना चाहिए, हर भारत का नागरिक आरोग्यदायी रहना चाहिए, हर भारत के नागरिक को स्वच्छता अभियान में आना चाहिए। ये एक सपना था, वो पूर्ति की तरफ जा रहे हैं। और इस सारे जो योजना है मोदी जी की, उसको पूर्ति करने के लिए जो नागरिक का सपोर्ट है, वो एक उल्लेखनीय बात है। इसीलिए मैं एक बार और भारत के, नई मुंबई के, महाराष्ट्र के सारे नागरिकों को 75वें सालगिरह का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा देश 135 करोड़ का देश है, आज़ाद है, और नागरिक को बहुत बड़ी सुविधा उससे मिल रही है। हर एक आदमी किसी भी तरह रह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये भारतवर्ष ने पूरे जग को दिखा दिया है कि हम लोग 135 करोड़ होने से भी एक सुपलाम की तरह रह रहे। भारत वर्ष के 75वें स्वतंत्र दिन की पूरे नई मुंबई के नागरिक को हार्दिक हार्दिक बधाई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।